हर्षिता गोपाल। हाँ जी, हमारी ही बात हो रही थी वेबसाइट पर रिश्ते के लिए। अबे यार, फोटो में तो ढंग का लग रहा था, सामने से तो बहुत बेकार है। अब सर, ये व्हाइट फॉर्च्यूनर आपकी है ना? हाँ जी भैया, सर ये कार की। थैंक यू। आपके पास फॉर्च्यूनर है? हाँ, पिछले ही साल ली थी, लेजेंडर। नाइस। आप अपने बारे में बताइए। मैं क्या बताऊँ, अब आप पूछिए, आपको जो पूछना है वही बता दूंगा मैं आपको। देखिए, मैं आपको सीरियसली बता दूँ, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे टाइम पास के लिए यहाँ मिलने आए हैं तो आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, मैं भी सीरियस ही हूँ शादी को लेकर। मैं ना अब तक बहुत सारे लड़कों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ कुछ कंडीशंस लेकर चलती हूँ। अच्छी इनकम होनी चाहिए। हाँ, 50 लाख का पैकेज है मेरा। स्टेटमेंट दिखाओ। दिखाइए दिखाइए। सही है, स्ट्रॉन्ग बैकअप, खुद का घर, किसी भी तरह के कपड़े पहनने की फ्रीडम, खाना बनाने के लिए काम वाली चाहिए, हर 3 महीने बाद एक शिफ्ट होनी चाहिए, मेरा मन आएगा तो मैं जॉब पे जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, 3 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे और इन-लॉज अलग रहेंगे। बस। हाँ बस यही। यार आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपके तो बहुत कम कंडीशंस हैं, नहीं तो आजकल लड़कियों की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है ना। हाँ, लेकिन मैं भी कुछ कंडीशंस लेकर चल रहा हूँ आजकल, तो अगर आप वो भी सुन लेगी तो सही रहेगा। ओके, बताइए। देखिए, शादी से पहले ना हमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि शादी के बाद आप मेरे साथ किसी भी टाइप का कलेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, ना मेरे घर वालों के साथ करेंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ जब चाहूँ जितने दिन चाहूँ घूमने जा सकता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जिसका आप चाहो तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे कि हमने आपसे किसी भी टाइप का कोई दहेज नहीं लिया, तो इन फ्यूचर अगर मान लो हमारा डाइवोर्स होता है तो आप मेरे ऊपर कोई भी दहेज का केस नहीं करोगे, और साथ में मैं कोई भी एलिमनी देने के लिए लाइबल नहीं रहूँगा। ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैडम, ऐसी कोई कंडीशंस भी नहीं होती, और अगर होती है ना तो मेरी कंडीशंस भी माननी पड़ेगी। देखिए, कंडीशन ना सिर्फ लड़की वालों की होती है, लड़के वालों की नहीं, और अगर शादी करनी है तो ये सब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ना मुझे एक वैलिड रीजन दे दीजिए जिससे मैं आपकी कंडीशंस मानूं। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, और क्या चाहिए तुम्हें? डू यू नो एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है अपना घर छोड़ना। देखिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि घर छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे मैं आपकी कंडीशंस मानूं। मुझे तो लगता है तुम ना शादी को लेकर सीरियस ही नहीं हो, तुम टाइम पास कर रहे हो ना। अरे मैडम, मैं तो शादी के लिए सीरियस नहीं हूँ, आप तो अपनी जिंदगी के साथ ही सीरियस नहीं हूँ। देखिए मैडम, अभी तो आप जवान है, सुंदर है, आप ना ये सारी कंडीशन लेकर बाजार में घूमिए, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको लड़का नहीं मिलेगा। 1-2 साल बीतेंगे, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी ना तब आप 1-2 कंडीशन भी कम कर दोगी, लेकिन लड़का आपको फिर भी नहीं मिलेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी शादी करने की उम्र बीत चुकी होगी, तब पता आप क्या करेंगी? तब आप कहेंगी कि कैसा भी लड़का हो, बस अच्छा हो, हम शादी कर लेंगे। देखिए मैडम, ऐसे शर्तों पर ना शादियां नहीं होती, और शादियां सिर्फ 2 इंसानों की नहीं, 2 परिवारों के बीच होती है। और अगर परिवार में रहना है ना तो परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, घर में काम भी करना पड़ेगा, हो सकेगा तो जॉब भी करनी पड़ेगी, हो सकता है 2-3 साल तक कोई ट्रिप भी ना बने। अगर लड़का आपको आपकी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो लड़के का जैसा घर परिवार है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। बाकी ऑल द बेस्ट मैडम, आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। और हाँ, आपने क्या बोला था कि इन लोग सेपरेट रहेंगे? चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपके सारे की सारी कंडीशन मान लेता हूँ, आप सिर्फ मेरी एक ही मान के दिखा दो कि आप जिंदगी भर अपने माँ बाप से ना तो बात करेंगी ना मिलेंगी। शादी करनी हो ना तो कॉल कर देना फिर।